रद्द करने का था। तो मेरा कहना है कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा, उस पर 24 घंटा मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाएगा। सही बात है। अब यहां पे ये आपका एसएसबी का है, कानून के मुताबिक अगर ये जमीन इस्तेमाल नहीं की गई तो 5 साल के अंदर आपको वापस मिल जानी चाहिए, ये कानून है। मगर यहां पे हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिकरण बिल के कानून को तोड़ रही है। तो मैं ये आपके लिए जरूर पार्लियामेंट में उठा सकता हूं, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मोदी जी उसके बारे में कुछ करें ना करें, मगर मैं आपके लिए उठा तो सकता हूं। और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एकदम ये जो आपका काम है हम करके आपको दे देंगे। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है, अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है, दूसरी तरफ से खाद बीज इन चीजों में आपसे आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करने की कोशिश की, वो 3 कानून ले आए, काले कानून ले आए, और जो आपका था वो आपके नाक के सामने उन्होंने छीनने की कोशिश की। अच्छी बात है कि देश के सारे किसान खड़े हो गए और वो पीछे नहीं हटे, इसलिए आपकी मैं कह दूं आपकी जान बच गई, नहीं तो आप सब बर्बाद हो जाते। मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, बेशक, और अजीब सी बात है मगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है, माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। आपने क्या गलती की है? ठीक है, अगर किसी का माफ नहीं करना, अगर किसान का कर्जा माफ नहीं करना तो फिर उनका भी नहीं होना चाहिए। यह अन्याय क्यों हो रहा है कि उनका 14 लाख करोड़ माफ हो रहा है और जब आप आते हो आप कहते हो भैया हमारा भी कर दो, सरकार आपसे कहती है हम तुम्हारा नहीं करेंगे। तो न्याय होना चाहिए, अगर उनका हो रहा है तो फिर इनका भी हो, और अगर इनका नहीं हो रहा तो फिर उनका ना हो। सही बात है ना। तो मेरी सोच है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक की कम से कम प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मतलब पिछले चुनाव के पहले हम एक योजना लाए थे, न्याय योजना, जिसमें हमने कहा था हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में, चाहे वो मजदूर हो किसान हो, हर परिवार के बैंक अकाउंट में हम कम से कम, सरकार कम से कम पैसा डालेगी, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी। तो अगर हम किसानों की रक्षा नहीं करेंगे, अगर हम किसानों की रक्षा नहीं करेंगे, चाहे वो एमएसपी की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, सही दाम दिलाने की बात हो, अगर किसान को ये नहीं लगेगा कि देश की सरकार हमारी रक्षा कर रही है तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और आज सच्चाई है कि जो किसान के दिल में जो डर है उसको सरकार मिटा नहीं पा रही, और किसान ने सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा खो दिया है। मगर मैं आपको यहां ये कहने आया हूं कि हमारी कोशिश रहेगी कि जो आप भरोसा खोए हैं वो एक बार फिर
आप हमारी सरकार पर भरोसा करें। और हमने देखिए, मैं खोखले शब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं खोखले शब्द नहीं बोल रहा हूं, 72,000 करोड़ रुपए किसान का हमने कर्जा माफ किया था, याद रखिए आप, सही। जमीन अधिकरण बिल हम लाए थे छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी, राजस्थान में हमारी सरकार थी, हम किसानों को सही दाम देते थे। तो हमने काम करके दिखाया है और आने वाले समय में भी हम काम करके दिखाएंगे। ये जो आपने सवाल उठाया है, मैं इसके बारे में पार्लियामेंट में बोलूंगा और मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम कानून को यहां लागू कर देंगे। धन्यवाद। सब लोग इतनी संख्या में इस चौपाल में आए हैं, किसान भाई बहन आप सबका बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारे नेता राहुल जी ने कहा है कि जो आपने मुद्दा उठाया है एमएसपी का, आपका जो भूमि अधिग्रहण हुआ है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसका, और जो माता जी ने मुद्दा उठाया है कि जब बाढ़ आती है तो हम लोग सब बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं, हमारे घर में पानी आ जाता है, आंधी की वजह से हमारा फसल गिर जाता है, कोई मुआवजा नहीं होता, तीनों मुद्दे पे राहुल जी ने आपको आश्वासन दिया है कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे, इसको पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी अधिग्रहण का कानून लेकर के आई, एमएसपी का कानून लेकर के आई और बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने का कानून लेकर के आई है। लेकिन जो नई सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है, इसीलिए यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसमें हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, युवा का न्याय, नारी का न्याय, भागीदारी का न्याय, किसान का न्याय और मजदूर का न्याय। कितने प्रकार का न्याय है? 5 न्याय, उसमें से एक सबसे जरूरी न्याय है किसानों का न्याय। और राहुल जी ने बोला है, याद रखिएगा, राहुल गांधी जो बोलते हैं दुनिया इधर से उधर हो जाए वो करके रहते हैं। तो आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।